सलमान खान बॉलीवुड के दबंग खान के नाम से जाने जाते हैं। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी दबंग इमेज के चलते फेमस हैं। सलमान का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। सलमान अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। सलमान परिवार में बड़े बेटे तो हैं ही, वहीं बचपन में बहुत शरारती भी रहा करते थे। सलमान अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। आज हम आपको उनके बचपन से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा बता रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। दरअसल एक बार उन्हें उनकी माँ सलमा खान ने रस्सी से बांधकर कुएं में फेंक दिया था। इस तरह का बुरा बर्ताव आपको बता दें कि सलमा खान ने किया था। जी हाँ, सही सुना आपने। अब इसके किस्से के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सलमान ने बचपन में कई शैतानियाँ की, लेकिन स्विमिंग का नाम आते ही हाथ पैर फूल जाते थे। उनके इसी डर को दूर भगाने के लिए उनकी माँ सलमा खान ने एक बार उन्हें रस्सी में बांधा और कुएं में फेंक दिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद सलमान खान स्विमिंग सीख गए और उन्हें इसमें बहुत मज़ा आने लगा। इसके बाद तो सलमान अक्सर कुएं में तैरने जाया करते थे और इसी तरह उन्होंने स्विमिंग भी सीखी। बता दें कि सलमान खान बीते 33 सालों से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो मशहूर लेखक सलीम खान और सलमा खान के बड़े बेटे सलमान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी। हालांकि इस फिल्म में सलमान का रोल बहुत छोटा था। इस फिल्म में अहम रोल दिग्गज अभिनेत्री रेखा और दिव्यांगद अभिनेता फारूक शेख ने अदा किया था। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।